साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा। 1,00,000 खाली पद 2 साल में भरे जाएंगे। ये तमाम घोषणाएं की गई है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी सरकार। इसके अलावा महतारी बंधन योजना में हर महिला को 12,000 रुपए देंगे। हर गरीब को घर और बिजली दिया जाएगा। हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मैनिफेस्टो को जारी किया और इस दौरान तमाम घोषणाएं की गई हैं। सबसे बड़ी घोषणा यही कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर धान को खरीदा जाएगा। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बीजेपी खरीदेगी। आपको बताते कि धान का भुगतान एक साथ करेंगे। 1,00,000 खाली पद 2 साल में भरे जाएंगे। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातें कही है। बारदाने की कमी नहीं होने देंगे। महतारी बंधन योजना में हर महिला को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। हर गरीब को घर और बिजली दी जाएगी। हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हर घर में नल से पानी आएगा। तो ये वो तमाम पॉइंटर्स आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। घोषणा पत्र में कौन कौन सी बड़ी बात है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। धान का भुगतान एक साथ किया जाएगा। किसानों को अक्सर ये शिकायत होती थी कि उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था। चरण पादुका योजना चालू करेंगे। पीएम आवास के तहत 18,00,000 घर देंगे। कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीद। और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की। और सीधे आपको अमित शाह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। मैं विकास चंद्र हूं न्यूज नेशन चैनल से। आपने अभी संकल्प पत्र जारी किया और तुरंत कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं कि मोदी की गारंटी दी जा रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के तत्वाधान में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तत्वाधान में काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर वादा हमारे नेतृत्व का वादा होता है। अमित जी, ऐश्वर्या पालीवाल बोल रही हूँ आज तक से। आपने मैनिफेस्टो में कहा कि आप राज्य के लोगों को राम मंदिर का दर्शन करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जो स्थल था उसके ताले खुलवाए थे। भारतीय जनता पार्टी ये ना समझे कि वो मंदिर उनकी प्रॉपर्टी है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में जरूर है बट ये सरकार के पैसे से मंदिर नहीं बना है। वो श्रेय ले रहे हैं राम मंदिर। नहीं, हम जरा भी श्रेय नहीं ले रहे। हम तो दर्शन करने के लिए जाने की बात कर रहे हैं। हम श्रेय कहाँ ले रहे हैं? और राजीव गांधी ने ताले तुड़वाए तो वो भी सरकार में थे। प्रॉपर्टी तो हिंदुओं की थी तो वो क्यों श्रेय ले रहे बताइए। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। हम इतना कहते हैं कि दर्शन करने के लिए सबको सुविधा कर देंगे, सरकार सहायता करेगी। और चलिए अंकुश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकुश, मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है बीजेपी की ओर से और सबसे बड़ी घोषणा यही कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर धान खरीदा जाएगा। क्या कुछ बड़ी बात है इस घोषणा पत्र में? मुझे आवाज नहीं आ रही। चलिए अंकुश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही,
तो ये मैनिफेस्टो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, जिसमें तमाम वादे किए गए हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं पर फोकस रहने वाला है। किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं यहां पर अमित शाह करते हुए नजर आए। बता दें आपको कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 के मूल्य से खरीदा जाएगा। साथ ही किसानों को एक मुश्त में इसका भुगतान किया जाएगा। किसानों को अब इंतजार नहीं करना होगा, राह देखनी नहीं पड़ेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि अब 3131 रुपए बीजेपी की डबल इंजन सरकार का होगा, साथ ही बारदाने की उपलब्धता भी धान की खरीदी से पहले कर देंगे। चलिए अंकुश जुड़ गए एक बार फिर से। अंकुश, 1 लाख खाली पद 2 साल में भरे जाएंगे मैनिफेस्टो में, ये भी बड़ी बात है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी। क्या कुछ बड़ी बातें और किस तरीके से अब कांग्रेस इसका तोड़ निकालेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया गया है, और उस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023। ये मोदी की गारंटी 2023 जो जारी की गई है, इसमें 17 से 18 बातें ऐसी हैं जो एकदम से बिल्कुल नई है, और इस नएपन के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में रहने के साथ साथ अगर बात करें तो सबसे बड़ा वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो वादा है 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का रेट तय कर दिया है। मतलब एक बड़ा जो कदम है वो बीजेपी ने उठाया है, और बड़ा कदम के साथ साथ बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो कांग्रेस पार्टी से भी काफी आगे रहेगी। अगर हम बात करें कृषि उन्नति योजना की, तो कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, 2100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी जो है वो की जाएगी, और 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस बार कांग्रेस सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत की है, उसको भी बढ़ाकर अब जो बीजेपी है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 12000 रुपए सालाना हर एक विवाहित महिला को दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ी घोषणा की गई है। बेरोजगारों के एक लाख खाली पदों को सरकार बनते ही 2 सालों के भीतर भर दिया जाएगा, वैकेंसीज खोली जाएंगी, पीएम आवास बनाए जाएंगे। ये तो बीजेपी का पहले से ही चला आ रहा है, बीजेपी की लाइन इसी लाइन पर काम कर रही थी। हर घर जल पहुंचाने के लिए जो अमृत मिशन योजना है उसके लिए लगातार बीजेपी काम करती रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण इलाका है, जो जंगली इलाका है, वहां के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपया प्रति मानक एकड़ जो है वो लोगों को दिया जाएगा, प्रति मानक बोरा जो है वो ये पैसे जो है संग्रहण करने वालों को मिलेंगे। भूमिहीन मजदूरों के लिए 10000 रुपए देने के वादा जो है बीजेपी ने वो कर दिया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वस्थ छत्तीसगढ़ के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मुफ्त हो गया है। 500 नए जन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे जहां पर दवाइयां सस्ती मिल सके। यूपीएससी की तर्ज पर सभी परीक्षाएं होंगी, जो पीएससी सीजीपीएससी में जो कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए अब यूपीएससी की तर्ज पर पारदर्शिता के साथ साथ परीक्षाएं कराने की बात यहां पर कही गई है। स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात कही है, इनोवेशन हब बनाया जाएगा। रानी दुर्गावती योजना के तहत बीपीएल परिवारों को, जितने भी बीपीएल परिवार हैं उनकी बेटियों को 1.5 लाख रुपया देने की बात की गई है, जो जैसे ही बेटी जन्म होगी जन्म लेगी तब से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा जो है, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन फिर से जो है वो शुरू किया जाएगा। सरकार तुम्हारे द्वार योजना के तहत पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, करीब 1.5 लाख पद जो है वो पंचायत स्तर पर दिए जाएंगे। शक्तिपीठ परियोजना के तहत 1000 किलोमीटर की यात्रा जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को कराई जाएगी, सभी शक्तिपीठों के दर्शन कराए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि जो अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा, उनको दर्शन कराने के लिए। एक महत्वपूर्ण वादा जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर कर दिया है। कई बीजेपी के बड़े नेता जो हैं अब धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हुए हैं। हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक बड़ा वादा जो है बीजेपी ने कर दिया है, और इस बड़े वादे के साथ जो है वो किस तरीके से यहाँ पर ये बहुत सारे लोग हैं जो अभी अंदर हैं और कुछ बड़े नेता जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आप कितना
महत्वपूर्ण हो जाता है घोषणा पत्र के बाद। यहाँ पर ये जो है घोषणा पत्र के बाद अब उनके लिए कितनी आसानी होगी। जो घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक हैं रामविचार नेता वो भी यहाँ पर हैं और भी कई नेता हैं। बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं अमित चिमनानी जी, उनसे उनसे हम समझ अब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है घोषणा पत्र के बाद। देखिए अब तो बीजेपी ने दिवाली से पहले ही बड़ा धमाका कर दिया और जितने भी वर्ग हैं युवा महिलाएं किसान वृद्धजन आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले सभी के लिए बड़ी घोषणाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है, ये तय हो गया। धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा था, आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। धान खरीदे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा धान खरीदी, उसको अब 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, ये कितना बड़ा कदम रहेगा बीजेपी के लिए? देखिए राहुल गांधी ने पिछले बार घोषणा की थी 2018 में कि हम लिमिट हटाएंगे 15 क्विंटल को 20 करेंगे, वो 15 से 20 पे रहेगा 5 साल में, लेकिन हम 20 से 21 पे आ गए हैं और निश्चित तौर पर जो 21 होगा वो जीत रहा है। 3100 रुपए का मास्टर स्ट्रोक कितना काम आएगा? शुभ आंकड़ा है, बहुत अच्छी चीज है। और ये देखिए फटाके फूट रहे हैं, दिवाली मनने लग गई है, उत्सव का माहौल छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद कहीं ना कहीं उत्सव का माहौल जो है वो बीजेपी यहाँ पर बताते हुए नजर आ रही है। और भी लोगों से हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब बीजेपी के इस घोषणा पत्र को जारी होने के बाद बीजेपी के नेताओं में कितना उत्साह है, क्योंकि 2-3 बड़े मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी ने इस घोषणा पत्र के माध्यम से खेल दिए हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सर एक महत्वपूर्ण कदम उठा दिया बीजेपी ने, क्या मानते हैं इस घोषणा पत्र का कितना असर पड़ेगा? अच्छा घोषणा पत्र है, इसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा, समाज के हर वर्ग को इस घोषणा पत्र में जोड़ा है। कमोबेश कर्ज माफी को छोड़कर कांग्रेस और भाजपा का घोषणा पत्र में उन सभी वर्गों को समान रूप से दिख रहे हैं, इसका और डिटेल विश्लेषण अभी बाकी है। जिसमें धार्मिक धर्म वाले बहुत सारे हैं, वनोपज पे काफी जो कांग्रेस भी देने वाली थी उससे ज्यादा भाजपा देने के तैयार है, धान भी जिस तरह से कांग्रेस दे रही थी उससे ज्यादा देने तैयार। तो कई मुद्दों पे अगर कर्ज माफी को छोड़ दें तो किसान युवा वर्ग दोनों हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है। 500 रुपया सिलेंडर का रेट तय कर दिया, 500 रुपये महिलाओं को जो सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है लगातार, उसके हिसाब से ये फायदेमंद होगा, महिला वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश है, जिससे फायदा निश्चित तौर पर 500 रुपया कांग्रेस भी दे रही है भाजपा भी दे रही है, दोनों का है। तो लगातार अगर देखेंगे दोनों के घोषणा पत्र में तो कर्ज माफी को छोड़कर दोनों के घोषणा पत्र में समानता है, कुछ अलग अलग सेक्टरों को दोनों ने जोड़ा है, वो डिटेल आप दिखा रहे होंगे। कांग्रेस की अगर बात करें तो 15 क्विंटल धान खरीदती रही है, अब इस साल से उन्होंने 20 क्विंटल धान खरीदना शुरू किया है। बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि हम 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपए के रेट के हिसाब से खरीदेंगे, क्योंकि किसानों के धान बचते हैं वो नहीं बचेंगे, फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, इससे किसान उत्साहित होंगे और ज्यादा अच्छा रहेगा ये निर्णय। ठीक है, हो गया और फिर कितना लेगा? तो ये वरिष्ठ पत्रकार है और स्पष्ट तौर पर ये बता रहे हैं कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत सारी चीजें ऐसी शामिल की हैं जो कांग्रेस ने भी उस चीजों में नेताम जी घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक नेताम जी कैसे देखते हैं घोषणा पत्र? मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बहुत मास्टर स्ट्रोक जबरदस्त, ऐसा घोषणा पत्र हम लोग सोचे भी नहीं थे, लोग सोचे नहीं थे कि इतना जबरदस्त घोषणा पत्र जारी होगा। और एक घोषणा पत्र बिल्कुल गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्ग सबका भला करने वाला घोषणा पत्र है, ऐसे निश्चित ही पूरे प्रदेश में एक वातावरण का निर्माण होगा, किसानों को साधने की पुरजोर कोशिश हो गई। ये साधने नहीं, वे हमारा संकल्प है, हम उसे पूरा करेंगे। तो ये संकल्प ले लिया है भाजपा ने और भाजपा जो है संकल्प को पूरा करेगी, ऐसा कहना है घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक रामविचार नेताम का।
बहुत उत्साह है बीजेपी में घोषणा पत्र जारी होने के बाद, और उस उत्साह को भुनाने की कोशिश अब बीजेपी करती हुई नजर आएगी जब मैदान में जाएगी। अब चूंकि घोषणा पत्र जारी हो गया है, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से प्लान बनाया है कि किसी भी स्थिति में सरकार में आना है और सरकार छत्तीसगढ़ में बनानी है, इसलिए इस घोषणा पत्र में कई बड़ी बातें जो है वो भी शामिल की गई है। बिल्कुल अंकुश, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि किस तरीके से इस घोषणा पत्र का असर भविष्य में देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी बड़ी बातें इस घोषणा पत्र में। देखिए, सबसे बड़ी बात यही कि 1,00,000 खाली पद 2 साल में भरे जाएंगे। इसके अलावा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदी होगी, 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदी जाएगी। और अभी अंकुश लगातार बात भी कर रहे थे लोगों से कि किस तरीके से इस मैनिफेस्टो को देखा जाए, तो हर वर्ग को इस मैनिफेस्टो के जरिए साधने की यहां पर कोशिश भी की गई है। अंकुश लगातार बने हुए हमारे साथ। अंकुश, किसानों की कर्ज माफी की बात कही जा रही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से, चलिए अंकुश लौटती हूं मैं आपके पास। इस वक्त खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जिस तरीके से मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी बीजेपी और 3100 रूपये इसका रेट तय किया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप इस घोषणा को? हेलो सर, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आती है तो, 3100 रूपये इसका रेट तय किया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप इस घोषणा को? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण जानकारी घोषणा पत्र से जुड़ी हुई ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी सरकार बनने पर कृषि उन्नति योजना की शुरुआत की जाएगी, क्या कुछ मुख्य बातें इस घोषणा पत्र की? 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रूपये के मूल्य से खरीदेंगे, किसानों को एक मुश्त इसका भुगतान किया जाएगा। और चलिए, लगातार अंकुश भी जुड़े हुए हैं। अंकुश, मेरा सवाल ये था आपसे कि कर्ज माफी की बात लगातार कांग्रेस कर रही थी, हर हमने देखा कि प्रियंका गांधी अपनी सभा में, राहुल गांधी अपनी सभा में लगातार किसानों की कर्ज माफी की बात कही जा रही थी। बीजेपी के मैनिफेस्टो आने से पहले ये बात कही जा रही थी कि उसे इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन क्या बड़ी वजह है कि उसे इंक्लूड नहीं किया गया? क्योंकि एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता था। देखिए, कर्ज माफी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस बात का जवाब दिया जा रहा है कि कर्ज माफी तो कर दिया गया है, लेकिन किसका कर्ज माफी कर दी गई, कहां कर्ज माफी हुई, ये जवाब जानना चाह रही है बीजेपी। और बीजेपी ये जवाब जानने के लिए जो है कई तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ नेताओं के द्वारा कई बयान भी जारी हुए हैं। अब अगर हम इस पूरे विषय को लेकर अगर बात करें तो जो कर्ज माफी हुआ है वो किसानों के माध्यम से भी पूछा गया है कि क्या जिन्होंने सोसाइटियों से या धान खरीदी केंद्रों से या जो सहकारी समितियां उससे कर्ज लिया था वो कर्ज माफ हुआ है, क्योंकि निजी बैंकों से लिया गया कर्ज जो है वो माफ नहीं हुआ था, और ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बार भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, तो किसानों का कौन सा कर्जा माफ किया जाएगा, इस बात का सवाल, ये सवाल जो है बीजेपी लगातार पूछती हुई नजर आती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था तो उस घोषणा पत्र में 2-3 सबसे बड़े वादे थे जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाई थी। पहला वादा था कर्ज माफी किया जाएगा, कर्ज माफी की बात कांग्रेस अभी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इस तरीके की कोई बात नहीं कही। लेकिन बीजेपी ने इस कर्ज माफी के सवाल पर जवाब जरूर दिया है कि हम किसानों की आय इतनी बढ़ा देंगे, किसानों के लिए हम रोजगार के अवसर इतने प्रदेश में पैदा कर देंगे कि ना तो किसानों को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी ना ही यहाँ के लोगों को। जब लोगों को कर्ज लेना ही नहीं पड़ेगा तो माफी करने जैसी कोई स्थिति ही हम पैदा नहीं होने देंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में वादा किया था कि 2500 रूपये प्रति क्विंटल की धान खरीदी करेंगे, धान खरीदी की भी गई प्रदेश में, देश में अलग अलग राज्यों की अगर तुलना करें या फिर अंतर लगाएं तो जितना धान और जितने रेट पर धान छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा था उतना किसी भी राज्य में नहीं खरीदा जाता। लेकिन बीजेपी ने इस पर पूरा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, और मास्टर स्ट्रोक ये है कि
3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जाएगी और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण कदम जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से रहने वाला है। दूसरा, महिलाओं को साधने की कोशिश की है, 500 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम जो है वो रहेंगे, 500 रुपए मतलब बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा इसको कही जा सकती है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में जो पीएससी को लेकर गड़बड़ी के आरोप बीजेपी ने लगाए थे उसको लेकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। मतलब साफ है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता रहेगी, अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो लोगों को नहीं होगी। युवाओं को साधने के लिए पंचायत स्तर पर 1.5 लाख भर्तियां करने की बात कही है। दूसरा, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है, जो सरकार बनने के तुरंत यानी 2 साल तक ये भर्तियां कर ली जाएंगी। इस बात का वादा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे बीपीएल परिवार की बेटियों के लिए 1.5 लाख रुपए देने की बात कही है। बीपीएल परिवारों के साथ साथ जो प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं उनको 12,000 रुपए सालाना देने की जो घोषणा है वो काफी महत्वपूर्ण घोषणा साबित हो सकती है इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर लगातार जो बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र में जो भी पॉइंटर्स, जो भी बड़ी बातें रखी गई हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, उसका अगर कितना असर होता है विधानसभा चुनाव में वो देखना होगा। अंकुश, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगी और देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।